सोलन के कायलर में आज एफएफटी कंपनी के बाहर काफी युवा इकट्ठे हुए और उन्होंने जमकर हंगामा भी किया। उन्होंने एफएफटी कंपनी पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं और कहा कि कंपनी उन्हें नौकरी का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठ रही है, लेकिन उन्हें अब तक नौकरी नहीं दी गई है। जब वे इकट्ठा होकर नौकरी मांगने गए तो अब कंपनी प्रबंधन उन्हें घटिया स्तर के प्रोडक्ट देकर मल्टी लेवल मार्केटिंग करवाने का दबाव बना रही है। उन्होंने कंपनी पर यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें कंपनी ने बड़े बड़े सपने तो दिखाए कि आपको ऑफिस में बैठकर काम करना होगा और आपको 20 से 25 हज़ार तक का वेतन दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कंपनी में 30 हज़ार रुपये निवेश करने होंगे। सुनहरे भविष्य के चक्कर में उन्होंने माता पिता से पैसे लेकर कंपनी में निवेश तो किया है, लेकिन अब तक उन्हें कंपनी ने एक भी पैसा नहीं दिया है। पैसा वापस मांगे जाने पर उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। और सर मुझे यहाँ पे इन्होंने फाउंडिंग फैशन वालों ने बुलाया था हमें यहाँ पे जॉब के लिए कि आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी, 20 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी। सर ये हमारे यहाँ पे देखो जनरल सर है, ये यहाँ पे कंपनी की है, इनकी ये कंपनी है, इनकी ब्रांच है, इन्होंने यहाँ पे फ्रॉड का धंधा खोल रखा है सर। ये सबको फ्रॉड के नाम पे बुलाते हैं, जॉब के नाम पे सर, ऊपर से हाँ जी सबको ये जॉब का झांसा देते हैं कि हाँ यहाँ पे जॉब पे 20 हज़ार पे सैलरी है। बड़े बड़े यहाँ पे सपने दिखाए जाते हैं सर सभी को कि आपको यहाँ पे गाड़ी मिलेगी या आईफोन मिलेगा, और जब भी मतलब आपको वीडियो की यहाँ पे पोस्ट मिलेगी, कैबिन मिलेगा, अच्छा ऑफिस वर्क मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे मतलब इतने बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि पूरा ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। और यहाँ पे ना तो यहाँ पे कोई कैमरा है ना कुछ भी नहीं है, और ये 30 हज़ार पे 500 लेते हैं कि आपको वीडियो की पोस्ट मिलेगी, ठीक है सर। और जब हम सर हमारे को यहाँ पे 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने से सर हमारी ना तो कोई सैलरी आई है ना हमारे को किसी ने वीडियो बनाया ना कुछ नहीं सर। अब जाके ये बोलते हैं कि बंदे जोड़ो, 3-4 बंदे लेके आओ जो 30-30 हज़ार रुपये यहाँ पे इनको जमा करके दे, फिर तुम्हारी सैलरी आएगी बोलते हैं, जो कि हमारे को 20 हज़ार रुपये सैलरी के नाम से इन्होंने यहाँ पे बुलाया धोखे से। मेरा सर छोटा बच्चा है, 3 साल का बेबी है, मैं उसको कमरे में बंद करके आती थी, इन सब ने देखा है खुद भी, उसको बंद करके मैंने 3 महीने यहाँ पे रेगुलर ऑफिस को दिया है, 9 से 5 का टाइम मैंने यहाँ पे दिया है, पूरे ऑफिस में काम करने के बावजूद ही अब ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कोई काम नहीं है, आपने काम नहीं किया। सर यहाँ पे इन लोगों को ये पूछा जाए कि इसमें अंदर काम है क्या? जीवनी है, और मैं अभी 17 साल की हूँ। इन्होंने मुझे बोला था कि यहाँ पे आपको बिजनेस की पहले स्टडी दी जाएगी, उसके बाद आपको यहीं से जॉब भी मिल जाएगी, और आपको हर मंथ ना 20 हज़ार रुपये फिक्स सैलरी मिलेगी। तो मैंने इनकी वजह से अपना कॉलेज भी स्किप कर दिया, क्योंकि इन्होंने मुझे बोला था यहाँ से आप आईफोन भी ले सकते हो, ये वो सो बहुत कुछ। और मेरी एक फ्रेंड भी थी, वो भी 17 साल की थी, उसको भी इन्होंने ऐसे ही बोला। उसके बाद इन्होंने मुझे मेरी आईडी बनाई, इन्होंने मेरे से 30 हज़ार रुपये मांगे, तो इन्होंने बोला आपकी तो अभी अंडर एज है तो आपकी आईडी नहीं बनेगी, आपकी मम्मी की आईडी बना देते हैं। तो मैंने बोला मेरी मम्मा तो साइन नहीं करेगी, तो इन्होंने मेरे से अप्लीकेशन लिखाई मेरी मम्मी की उससे कि मैं ऐसे ऐसे मीना कौशल हूँ, तो मैं अपनी अपनी बेटी को खुद ही आप पे वो करना चाहती हूँ, और इन्होंने मेरी मम्मी के साइन भी मेरे से ही करवा दिए। और उसके बाद इन्होंने एग्रीमेंट पे साइन कराया, वो मुझे बताए भी नहीं क्या क्या एग्रीमेंट है, बस साइन लेते गए, ऊपर फाइल रख दी इन्होंने, नीचे क्या लिखा था वो भी नहीं बताया। उसके बाद मुझे 3 महीने हो गए यहाँ पे और मुझे कोई पैसे नहीं आए यहाँ से, और मेरे जो आधे प्रोडक्ट्स हैं जो मिलने थे यहाँ से वो भी इधर एक मैम है उनके पास से आते, पूरे भी नहीं मिले मुझे। जम्मू का रहने वाला हूँ, इन्होंने मेरे को यहाँ पे बोला था कि इन्होंने न्यूज़ पे एड दी हुई थी एक, उस पर काम था कि ऑनलाइन बार कोडिंग का काम है, यहाँ पे आपको बार कोडिंग के बेसिस पे ट्रेनिंग दी जाएगी, और न्यूज़पेपर में भी सैलरी लिखी थी 17 से 25 हज़ार रुपये आप कमा सकते हो जबकि 12th पास में, ठीक है। और मेरे को यहाँ आके पता चला कि ये तो नेटवर्किंग है, इन्होंने ब्याज से पैसे लिए हुए, कोई कल को ऐसे किसी से किसी उधार मांग के कल को ये करके आया उसको कुछ बने ना, वो तो बेचारा खज्जल हो गया ना। जी यहाँ पर मनमोहन जी ने बुलाया था जो कि हमारी साइड से है, और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर हमारा ऑफिस वर्क रहेगा बार कोड एंड स्कैनिंग का, और उन्होंने कहा था कि हमारी पर मंथ इनकम होगी 20 हज़ार रुपये, तो इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। और यहाँ पर आके उन्होंने कहा कि पहले आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, 6 हज़ार रुपये से की थी मैंने स्टार्टिंग, तो उन्होंने तो सर मेरा कोई भी प्रोडक्ट नहीं दिया वापस, और ना मेरी आईडी बनाई है, फिर पर मंथ मिलेगी 20 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी, और उन्होंने कहा था कि ऑफिस वर्क ही होगा, ऑफिस में नहीं होगा, तो नहीं जाना। सर जब हमने अपने पैसे इनसे वापस मांगे तो ये कहते हैं कि पर्सनली आओ, ऑफिस बंद करने के बाद बुलाते हैं 6 बजे। वहीं जब इस मुद्दे पर कंपनी प्रबंधन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि युवाओं को कोई भी नौकरी का झांसा नहीं दिया गया है, उन्हें पहले ही मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में बताया गया था, ये युवा खुद ही काम नहीं करना चाहते हैं इसलिए वे काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी में जो काम करता है वो कमाता है। उन्होंने कहा कि ये युवा पुलिस में भी शिकायत करके आए थे, लेकिन पुलिस ने
उनको गलत करार दिया और वापस जाने की सलाह दी है। कंपनी प्रबंधन ने कहा कि ये कंपनी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर ट्रेनिंग होती है पहले 4 दिन की, वहाँ सारा प्रोसेस समझाया जाता है कि नेटवर्किंग मार्केटिंग है, बिजनेस है, ऐसे ऐसे पैसा कमाना है, तो पैसा लगाते हो, इतनी टीम बनाते हो, इतना सारा कुछ आना है प्रॉफिट, ये पहले 4 दिन की ट्रेनिंग में बताया गया। अपने कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन बताए हैं, हर एक चीज़ की है, लीगलाइजेशन की है। इन्होंने अपनी कंप्लेंट वहाँ पे भी की थी, पुलिस वालों ने भी इनकी कोई बात सुनी नहीं, क्योंकि इनकी रिफंड पॉलिसी 1 मंथ की थी, ये 3 मंथ के बाद वो चीज़ें रिटर्न कर रहे हैं कि हमें 3 मंथ के बाद रिटर्न कर लो। और प्रोडक्ट भी इन्होंने ले लिया, कंपनी में इन्होंने पैसा दिया, 4 दिन की ट्रेनिंग लगाई इन्होंने वहाँ पे भी। अपने थाने में आज से 2 दिन पहले सारी बात हो चुकी थी, उन्होंने भी इनको एक ही चीज़ बोला था कि आप जितनी भी चीज़ें बता रहे हो सबकी सब गलत है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप केस कर लो। इन्होंने कोई भी केस नहीं किया अभी तक, कोई भी चीज़ नहीं किया इन्होंने। कल भी हम वहाँ पर एप्लीकेशन दे के आए थाने के अंदर कि ये हमें बार बार तंग कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें बार बार तंग कर रहे हैं। का अगर ये सही होते ना तो सबसे पहले थाने के अंदर इनकी सुनवाई होती, ये सबसे पहले गलत है। 3 महीने के अंदर दादागिरी कर रहे हैं अपने, मेन डिपेंड करता है सेलिंग के अंदर, जितना आप सेल करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। अब उन्होंने सेल किया ही नहीं, वो हमें ब्लेम है, एज द मेन डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये पिछले लुधियाना से इनकी फैमिली है, ये पैसा कमा रहे हैं इस जगह पे, अपनी फैमिली को चला रहे, ये है, ये पंजाब से अपना पैसा कमा रहा है, मैं जम्मू से हूँ, मैं अपना पैसा कमा रहा हूँ, मीन्स कि मैं जितना काम करूंगा चाहे वो 50,000 रुपये महीने के लिए करूँ, 10,000 करूँ, 20,000 करूँ, डायरेक्ट सेल नेटवर्क मार्केटिंग 1996 के अंदर वेस्टीज कंपनी है, 2004 के अंदर खुली है, आज उस बंदे आज वही कंपनी के अंदर वो करोड़ों रुपये लाखों रुपये कमा रहे हैं, डिपेंड करता है उनके वर्क के ऊपर। उसके अंदर कई लोग ऐसे हैं जो कमा भी नहीं रहे। नहीं, वो तो MLM सर जॉब प्रोवाइड नहीं करती हमारी कंपनी, हमारी कंपनी बिजनेस प्रोवाइड करती है, जिस बिजनेस में पहले दिन ही ट्रेनिंग लग जाती है और ट्रेनिंग के अंदर ये बताया जाता है उसका फॉर्म।